सीएम ने तिहाड़ प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि 1 जून को समाप्त हो गई थी। हालांकि सरेंडर से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका भी डाली थी, जिस पर सुनवाई 5 जून को होने वाली है। तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कोशिश की थी कि कम से कम 2 जून को आदेश सुना दें, ताकि संभव हो सके तो वह सरेंडर से बच सकें, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, हम 5 जून को ही आदेश सुनाएंगे। आपने याचिका में वजन घटाने को कारण बताते हुए सरेंडर से बचने की कोशिश की थी। अतिशी ने कहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू अदालत में 7 दिन की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने स्वास्थ्य जांच के लिए जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि ईडी की हिरासत के दौरान उनका वजन 6 से 7 किलो कम हो गया। अचानक और बिना किसी कारण के वजन कम होना कई गंभीर बीमारियों का संकेत है। इतना ही नहीं, उनका कीटोन भी गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। उनका शर्करा स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद तिहाड़ की रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया है कि जेल में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल का वजन 6 से 7 किलो नहीं घटा था। तिहाड़ जेल में मेडिकल ऑफिसर ऑफिस ने 1 अप्रैल से 9 मई तक अरविंद केजरीवाल के वजन की रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल का वजन 1 अप्रैल को 65 किलो था, जबकि 29 अप्रैल को बढ़कर 66 किलो हो गया था। इसके बाद 9 मई को जब उनके वजन को मापा गया था तो वह 64 किलो थे। इसका मतलब है कि उनके वजन में 6 से 7 किलो घटने के दावे सरासर गलत थे।